सुबह का क्या ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिससे कि आपकी गेनिंग अच्छी हो जाएगी, और इस वीडियो में हम उन चीज़ों की ही बात करेंगे जो आपकी किचन में पहले से अवेलेबल है और जो हर किसी घर में होती है और जो सस्ती होती है। बजट डाइट की ही बात करेंगे, तो अगर अच्छी गेनिंग करनी है आपको तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं लास्ट में बताऊंगा जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका ब्रेकफास्ट है उसमें चपाती होनी चाहिए, उसमें सब्जी होनी चाहिए, उसमें दही होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं, आप सभी यही बोलोगे कि हाँ मैं तो ये खाता हूँ पर फिर भी मेरी गेनिंग नहीं हो रही है। तो कमी कहाँ है? कमी इसमें ये है कि अगर आप इसको खा रहे हो फिर भी आपकी गेनिंग नहीं हो रही है तो आप फिज़िकल वर्क नहीं कर रहे हो। अगर आप फिज़िकल वर्क करोगे तो आपका जो मसल मास है वो गेन होगा। अगर आप बिना फिज़िकल वर्क किए इतनी सारी कैलरीज इकट्ठी कंज्यूम करोगे तो आपका सिर्फ वेट गेन होगा, और वेट गेन कहीं भी हो सकता है, पेट पे हो सकता है, गले पे हो सकता है। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो चौड़ा नहीं होगा, आपके शोल्डर चौड़े नहीं होंगे अगर आप फिज़िकल वर्क के साथ कैलरीज कंज्यूम नहीं करोगे। अगर आपको सिर्फ वेट ही गेन करना है तो आप कैलरीज इंक्रीज़ करो तो हो जाएगा वेट गेन। फिर भी अगर वेट गेन नहीं हो रहा है तो आपकी जो बॉडी की कैलरीज है, जो आपको जितनी कैलरीज चाहिए आप उतनी कैलरीज नहीं ले पा रहे हो। तो ब्रेकफास्ट में क्या ऐड करना है आपको? नॉर्मल से जो अच्छा हो सकता है। आपको सुबह सुबह चपाती खानी है चार, और उसके साथ आपको जो सब्जी बनी है वो एक कटोरी खानी ही खानी है, उसके साथ आपको एक घी का चमचा खाना है, और उसके साथ आपको खाना है एक बनाना, एक केला या कोई भी एक फ्रूट खा सकते हो। अगर केला है तो मच बेटर है, अगर नहीं है तो कोई और फ्रूट ले सकते हो आप। तो ये हमारे हो गए कार्ब्स के सोर्स, ये हो गए हमारा फैट का सोर्स, कैलोरीज हमारी बढ़ गई। तो इसमें हमने अभी प्रोटीन नहीं डाला है, हमने दही डाला है। दही थोड़ा प्रोटीन होता है उसमें पर इतना नहीं होता है जितना हमें चाहिए। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, मतलब अगर आप खा लेते हो अंडे वगैरह, तो आपको उसमें उबले हुए अंडे दो मिक्स करने हैं। मतलब आपको सुबह ब्रेकफास्ट में दो अंडे साथ में खाने ही खाने हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोटीन सोर्स होता है, वो है पनीर। आपको ज़्यादा पनीर नहीं खाना है, सिर्फ 50 ग्राम पनीर ही खाना है, जो कि अराउंड 20, 25 या 30 रुपए का आ जाएगा, इससे कम ही होगा 30 से। तो ये आपकी होगी प्रोटीन, कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट्स, सारा कुछ अच्छा हो गया, फैट भी इसमें इंक्लूड हो गया है। तो अगर ये चीज़ें आपको महंगी लग रही हैं कि पनीर हो गया, अंडे हो गए, ये बजट से बाहर जा रहा है, आपको मैं एक और ऑप्शन देता हूँ। आपने सोया चंक्स की सब्ज़ी सुबह सुबह खानी है, उसको अपनी डाइट में ऐड करना है। किसी भी तरह खा सकते हो, जैसे भी आपको, एज़ पर योर टेस्ट, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उसको वैसे बनवाओ और उसको खाओ। उससे आपका प्रोटीन इनटेक इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप पनीर नहीं लेते हो, अंडे नहीं लेते हो, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या एक्स्ट्रा ऐड करना है इसके बारे में बात करेंगे। जो एक्स्ट्रा ऐड करना है वो है आपको ड्राई डेट्स खानी है, खजूर जिसको बोलते हैं। हमने 3 ड्राई डेट्स खानी है ब्रेकफास्ट में, खानी ही खानी है भाई। इससे आपका कैलोरीज इनटेक बढ़ेगा और आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ेगा। साथ में आपने कंज्यूम करना है एक शहद का चम्मच। तो इतनी सारी चीज़ें होगी, मतलब बहुत सारी भी नहीं है, थोड़ी कमी है। ये सारी चीज़ें हर घर में अवेलेबल होती हैं। अगर इन चीज़ों को आप रेगुलर कंज्यूम करोगे डेली, तो आपको 10-15 दिन में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, आप वेट गेन करोगे अच्छे से। ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। तो हमारा जो लंच है वो भी ऐसा ही होना चाहिए, हमारा डिनर भी ऐसा होना चाहिए। अगर आपको लंच और डिनर के लिए भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। पर इस डाइट को पक्का फॉलो करना, ये बजट डाइट है और हर घर में अवेलेबल होती है। और मैं रिकमेंड करूँगा आपको जिम भी जाना चाहिए, अगर जिम नहीं जा रहे हो तो घर पर वर्कआउट करना चाहिए, इससे आपका मसल मास गेन होगा।